तो गाइस, मैंने अपना मध्यम वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली पार्ट वन यहीं पे एंड किया था। इसके बाद तो मैंने उसी को कंटिन्यू करते हुए इस व्लॉग को जारी रखा है, क्योंकि किसी को मेरा देखना था पूरा रूटीन तो एक व्लॉग में पॉसिबल नहीं था, सो मैंने दो भाग में इसको बनाया। YouTube फैमिली, गुड आफ्टरनून। तो मैंने व्लॉग एंड किया था 10 बजे के करीब मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा रेगुलर लाइफ अपडेट करूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलती हैं और मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो ऐसे जानने, वो भी बोलते हैं कि डेली लाइफ अपडेट करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ब्लॉग तो ऐसे मैं कंटिन्यूअस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मैं एंड करती हूँ तो फिर उसके बाद मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, वहीं से नहीं स्टार्ट करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डेली अपडेट नहीं मिल पाता है। तो अभी टाइम हो रहे होंगे आई थिंक 1:15 का हो रहा है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 1:15 का हो रहा है और मेरे हस्बैंड जी लंच कर रहे हैं। अच्छा, और मेरे हस्बैंड जी लंच कर रहे हैं और बाबू भी लंच कर रहे हैं। मैं अभी शावर नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा होगा तो पता ही होगा, नहीं जिनको पता है उनको बता दूं कि आज है 1 जुलाई और कार्तिक का जो है स्कूल रीओपन हुआ है आज, और मैं सुबह उठ के सब कुछ इनका रेडी कर चुकी थी बट इनकी तबीयत खराब हो गई, सो उस चक्कर में हम लोगों का भी थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, लेट गए हम भी, तो लेट उठे, आँख लग गई, लेट उठे तो फिर फटाफट से बनाया क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था। और ये देखिए कार्तिक खा के जा रहे हैं। हाँ ठीक है, देखा? हाँ हाँ, नहीं दिख रहा है। तो अब मैं आराम से कर लूँगी क्लीनिंग, और शाम को कार्तिक को डांस क्लास भी ड्रॉप करना है मुझे, और इनका थोड़ा बहुत बुक वगैरह जो कवर वगैरह सही नहीं है उसको भी सही करूँगी। एक्चुअली कल सही करती, कल क्या सोच रही थी आजकल में, बट क्या हो गया ना, इधर डांस क्लास इनका जो है मॉर्निंग का हो गया था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम निकलते बहुत कम थे, सो नहीं जा पाए। और कल का सोचा था करने के लिए, लेकिन कल बारिश बहुत होने लगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं आज चले जाएंगे उसके बाद कर दूंगी, बट आज तो गए नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अब कर देती हूँ। और यहाँ भी मैंने बेडशीट अपनी दूसरी लगा दी, वो वाली बेडशीट हटा दी थी क्योंकि बहुत चींटियाँ हो गई थी, और इधर का भी ऑलमोस्ट समेट दिया है, वो जो कपड़ा दिख रहा है वो मैं नहाने के बाद पहन लूँगी। और ये कार्तिक का बैग रख दिया मैंने, और ये ग्लास मुझे हटाना है, फ्रिज का भी ऑलमोस्ट डन ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं छोटी मोटी। देखिए कार्तिक का गुल्लक है जो हमेशा गिरता ही रहता है। तो चलिए कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ। तो जी हम आ गए हैं बाहर कार्तिक को डांस लेकर, और मैंने दोपहर में आपको बताया ही था, तो ये लोग लंच करके मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, और उसके बाद मैं भी शावर लेके थोड़ा रेस्ट कर ली, फ़ोन पे बात की अपने घर वालों से, मतलब ससुराल वालों से, और अब भी आप देख ही सकते हैं रोड, तो आपको आइडिया हो ही गया है, बारिश पूरी है, अभी तो रुकी हुई है खैर। तो मैं इनको डांस क्लास ड्रॉप करूँगी, देन मुझे कुछ इनका स्टेशनरी का सामान लेना है वो लूँगी, और फिर मैं घर जाऊँगी, फिर आफ्टर 1 आवर इनको लेने आऊँगी। मुझे है ब्लैक कलर, हाँ शॉर्ट में, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों अच्छे कपड़े में दीजिएगा। तो जी आ गई मैं घर, पीछे घड़ी दिख रही होगी, 5:30 हो रहा है, और कार्तिक के लिए जो चीजें जरूरी थी ये आप देख ही रहे हैं, पेंसिल बॉक्स लिया मैंने, और इधर आपको दिख रहा होगा इरेजर का बॉक्स है, क्योंकि ये चीजें ना जरूरी, मतलब जरूरत पड़ती रहती है तो क्या ही ले आना। और ये मैं एक पेन लेके आई हूँ जो ये ग्लिटर टाइप का चलेगा, तो नेम लिखने के लिए उनके प्रोजेक्ट फाइल पे। कॉपी मैम बोली थी बिल्कुल वाइट पेजेस की हिंदी के लिए, तो वो मैं कॉपी लेके आई हूँ, कॉपी तो मैंने इकट्ठा उठाई थी लेकिन वो मैम को नहीं चाहिए तो फिर मैं दूसरा लेके आई हूँ। और पीछे ये रस्सी दिख रही है, ये मैं कार्तिक को कूदने के लिए लेके आई हूँ। तो ये चीज़ें थी, और उसके बाद सॉक्स भी लेने गई थी उनके लिए स्कूल का, तो एक तो लेके आई हूँ और एक अभी जाऊँगी लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था 200 इनफ होगा, पर 200 ख़त्म हो गया और चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो फिर मुझे कार्तिक को लेने जाना है तब लेके आऊँगी, और बहुत गर्मी है बाहर।
अभी 10 मिनट का टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लूं। और सब जगह आपको कपड़े दिख रहे होंगे, ये भी देख लीजिए, क्योंकि बारिश है ना तो फिर इधर उधर ही डालने पड़ते हैं, तो प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज हो गया है 9:20 और कार्तिक को लेके आने के बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है घर के बहुत सारे काम थे, और काम मतलब घर थोड़ा बहुत समेटना ही पड़ता है, और दूसरा कार्तिक को स्टडी रिलेटेड भी उनको सारी चीजें बतानी थी क्योंकि वो अब्सेंट थे, आपको पता ही है। और ये जो टंगा है ना, ये मुझे मतलब देखना है क्या है, कुछ है, कबाड़ा ही है मुझे लगता है, और खाली करना है। एक्चुअली मैं कई बार सोचती हूँ एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के लिए, बट अभी जी बोलते हैं कि नहीं रहने दो, दिवाली तक मतलब लगवाएंगे मिस्त्री और पूरा घर पेंट करवाएंगे। यहाँ तक कि मुझे सपने में भी क्लीनिंग का मतलब दिखता है, क्योंकि नीचे नीचे का तो मैं कर दूंगी लेकिन ऊपर ऊपर मैं नहीं चढ़ती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। मैंने बताया है, नहीं पता है तो फिर बता देती हूँ, मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ, सो मुझे कुर्सी पे चढ़ते हुए डर लगता है, और मैं बहुत ज्यादा गिरती भी हूँ, कई बार गिर चुकी हूँ, मेरे दोनों पाँव में लग चुकी है, मोच बहुत ज्यादा आ चुकी है, एंड मेरे सारे एक्चुअली मैंने ईयरफोन लगाया हुआ था, क्योंकि कॉल पे बात करती हूँ तो ईयरफोन लगाती हूँ, तो लगा ही लिया फिर से, नहीं तो ये गिर के ना फिर टूट जाएगा, मेरा ईयरफोन बहुत टूटता है, बिना ईयरफोन का चलता नहीं है, तो इस वाले हाथ में भी बहुत लगी हुई है। और डिनर में आज हमने कुछ भी नहीं बनाया, डिनर में सिर्फ खीर बना ली, और खीर नहीं है बिल्कुल, चावल बन गया। एक्चुअली जब मैं खीर बना रही थी तो मैं किसी से कॉल पर बात कर रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और चावल थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ गया, थोड़ा सा मुझे आज गाढ़ा बनाना था बट ये कुछ ज्यादा ही पड़ गया, अब क्या ही कर सकते हैं, जो बना है काम तो चलाना ही पड़ेगा। और हबी जी अभी तक आए नहीं हैं, वो आएंगे 10:30 तक, और कार्तिक भी यहाँ पे काम कर रहे हैं स्कूल का, क्योंकि अब्सेंट थे तो काम बहुत ज़्यादा आया है, सो ये काम कर रहे हैं। और क्या बताने वाली थी आपको, हाँ कल सैटरडे है, होपफुली ये स्कूल जाएं, कल तो इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, और इनको अगेन वही सब्जी देनी है जो इसके पहले मैंने व्लॉग में शेयर किया था, आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, पूरी पराठे में खा सकते हैं आप, ट्रेवल में लेके जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर किसी में भी आप रख सकते हैं, और उसको आप सात्विक आलू की सब्जी भी कह सकते हैं, डेट मीन्स बिना लहसुन प्याज की बनती है। और भंडारे की सब्जी इन लोगों को बहुत पसंद है, इनके पापा को इनको, सो उन लोगों को उसका टेस्ट आता है, मैंने पूरी कोशिश की है कि उस तरीके से बने, तो आप देख लेना, इसके जस्ट पहले गया है, टाइटल में भी मेंशन है। और उसके बाद अब हम डिनर करेंगे, डिनर के बाद मतलब डिनर में सिर्फ खीर खाएंगे, सोएंगे, क्योंकि कल हमने जो है बाहर का खा लिया था, सो मॉर्निंग में कार्तिक की तबीयत खराब हो गई थी एंड मुझे भी हैवी सा फील हो रहा था, सो हाँ वी डिसाइडेड कि आज हम जो है लाइट डिनर करेंगे, सो मैंने खीर बना लिया था, और अभी हबी जी से मैंने पूछा नहीं है, वैसे वो नहीं खाएंगे, वो मतलब रात में हल्का खा लेते हैं। और अभी थोड़ा बहुत मैंने अपना भी बाल थोड़ा डिजाइन में बांधने की कोशिश की थी, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं हेयर स्टाइल खुद से क्रिएट करना सीखूं, हालांकि 5-6 हेयर स्टाइल मुझे खुद से क्रिएट करना आता है, बट फिर भी वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ, और मैंने इंस्टा पे एक दो रील ऐसे ही डाल दी इसी कपड़े में, तो कोई नहीं, काम अच्छा पसंद आना चाहिए, मैटर ये नहीं करता कि आप खूब ज्यादा रेडी हो तभी लोग आपको पसंद करें, टैलेंट होना चाहिए मुझे ऐसे लगता है, बट सबकी सोच अलग अलग होती है, और रेडी होने पे भी लोग पसंद करते हैं, बट अभी इस टाइम पे तो मैं रेडी होकर बिल्कुल भी बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि रात हो गई है, तो मैंने ऐसे ही मन हो रहा था तो मैंने बना दिया, मैं दिल से जब आता है ना कि हाँ अभी इस गाने पे रील मतलब बनाना चाहिए, सो मैं बना देती हूँ, कभी कभी तो मैं रेडी होके बनाती हूँ तो भी मेरी उतनी अच्छी रील नहीं बनती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एवं मतलब दिल से होता है कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छा बन जाता है, और आप भी जाके देखना, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा का रील मिल जाए, इंस्टा का आईडी मिल जाएगा, एंड मैं बता भी देती हूँ प्यारी प्रियंका सिंह है, तो आप जाके देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। तो फाइनली मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, इस ब्लॉग को सिर्फ अपडेट के लिए बनाया था, और मैं कोशिश करूंगी डेली डेली ब्लॉग बनाने की, मेरे पास चीजें बहुत ज्यादा हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन क्या होता है ना हर चीज का एक टाइम होता है, पहली बात तो शेयर करने का जो ऐसी चीजें होती है, और दूसरा क्या होता है इतनी बिजी होती हूँ ना, मतलब
थोड़ा सा कोई होता है हेल्प करने के लिए, नहीं कुछ ज्यादा कोई एडिटिंग कर देता, मुझे एडिटिंग करना बहुत ज्यादा टफ लगता है, सो एडिटिंग ही कोई कर देता तो भी मैं डेली डेली व्लॉग डालती। तो फिर एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, फिर कार्तिक की स्टडी में ध्यान देना, फिर घर का काम, फिर बाहर का, मतलब बहुत ज्यादा समझ सकते हैं बर्डन पड़ जाता है। और अभी तो अगस्त में हो सकता है कार्तिक का एडमिशन हम क्रिकेट में करा दें तो फिर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा। और यहाँ मैंने एक बैंगल्स पहनी हुई थी, वो मैंने कार्तिक को दे दी है ड्रॉ करने के लिए, एक्चुअली उनको मून बनाना था सो वो बैंगल से ड्रॉ कर रहे हैं, उनके लिए वो लेना है मुझे, ज्योमेट्री का पूरा जो आता है ना वो वाला लेना है क्योंकि अब उनको जरूरत लगेगी। और एक हाथ में देखिए मैंने पहना हुआ है, और ये वही बैंगल्स है जो मेरी सासू माँ ने भेजा हुआ था मैहर देवी का, मैंने आपके साथ शेयर किया था ससुराल से क्या क्या आया है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं, थंबनेल मैं लगा दूंगी यहाँ पे जिससे आपको वीडियो पहचान में आ जाए। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग ये वाले भी अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वही लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हो नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपनों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रहे, बाय बाय, थैंक यू।